नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं किंगस्टन की डाटा ट्रैवलर एक्सोडिया 64 GB USB 3.2। दोस्तों ये हमने ऑफलाइन मात्र 540 रुपये की खरीदी है और ये 64 GB की पेन ड्राइव है, जो कि ऑनलाइन ये हमें 650 रुपये तक मिल रही थी। इसलिए हमने ऑफलाइन मार्केट में ट्राई किया और वहाँ हमें ये बहुत सस्ती मिल गई है। अगर इसके MRP की बात करें तो इसमें MRP मेंशन किया गया है 650 रुपये और ये हमें मात्र 540 रुपये की मिल गई है और ये 5 साल की वारंटी के साथ आती है। अब दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में ये पेन ड्राइव किस प्रकार की दिखती है और आपको ये पेन ड्राइव लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को भी चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये 2.0 USB से फास्ट है या नहीं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पेन ड्राइव की, अब हम अनबॉक्सिंग करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसको फाड़ लिया है और सीधा दोस्तों हम इसको उठा लेंगे। ये हमने उठा लिया है और हमारी पेन ड्राइव हमारे सामने आ गई है। पेन ड्राइव का कलर दोस्तों ब्लैक है और पीछे की तरफ ये थोड़े से ब्लू कलर की हो रखी है और इसके ऊपर आपको किंगस्टन की मार्किंग, साथ ही साथ 64 GB की मार्किंग भी देखने को मिल जाती है। और ये मेड इन चाइना डिवाइस है। अब हम इसको अपने फ़ोन में लगा चुके हैं। OTG केबल के माध्यम से आप देख सकते हैं USB स्टोरेज कनेक्टेड आ रहा है। इसको हमने खोला है पेन ड्राइव को तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम अपने मोबाइल का कोई डाटा ट्रांसफ़र करेंगे इस पेन ड्राइव में और स्पीड को देखेंगे। यहाँ हमने शेयर मी फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम मूव कर देंगे USB स्टोरेज। USB स्टोरेज में आप देख सकते हैं 61.98 GB इसमें आता है और 61.98 GB ही खाली है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है किंगस्टन पेन ड्राइव की। बाकी जितने भी पेन ड्राइव होती हैं उनमें कुछ ना कुछ डाटा, कुछ ना कुछ मेमोरी पेन ड्राइव खा जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं खाई है। अब हमने दोस्तों मूव की कमांड दे दी है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया इसकी स्पीड आ रही है और कहीं कहीं तो दोस्तों ये 40-50 तक पहुंच जा रही है और दोस्तों थोड़ी सी कम आ रही है। इस प्रकार इसकी जो स्पीड हमें लग रही है वो 2.0 पेन ड्राइव टाइप ही लग रही है। ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है।